पंजाब की जालंधर में किसान आंदोलन के चलते सड़क से लेकर रेल यातायात तक प्रभावित हुआ है। राज्यों को यहां पर जोड़ने वाली कई सड़कें बंद कर दी गई और साथ ही बताया जा रहा है कि वहीं बड़ी संख्या में ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा है। बीते शनिवार को भी रेलवे ने यहां पर 40 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही लगातार ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ने लगा है और यही कारण है कि यहाँ पर रोज नई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। गन्ने की कीमतें बढ़ाने और साथ ही बकाया भुगतान से संबंधित मुद्दों को लेकर पंचायत और साथ ही आपको बता दें कि सभी क्षेत्र से आने वाले किसानों ने यहाँ पर पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने जालंधर में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया है और साथ ही लुधियाना अमृतसर और साथ ही लुधियाना जम्मू रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही को भी जो है रोका जा रहा है। किसान आंदोलन के कारण उत्तर रेलवे ने जालंधर सिटी और साथ ही चिहेरू के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 092-41 इंदौर उधमपुर स्पेशल ट्रेन 23 अगस्त को और साथ ही ट्रेन नंबर 092-42 उधमपुर इंदौर 25 अगस्त को रद्द करने का फैसला किया। उत्तर रेलवे में यहाँ पर जालंधर कैंट और साथ ही चिहेरू के बीच चलने वाली दो ट्रेनों को भी डायवर्ट किया गया है।